भारत में मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह कमर कस ली है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बारिश को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को जागरूक करने में जुट गई है। बारिश को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने हर तरह के इंतजाम कर लिए हैं। इसके साथ ही बरसात के कारण होने वाली बीमारियों से सुरक्षित रखने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अस्पतालों और मेडिकल सेंटर में सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है। तो वहीं आम जनता को भी बारिश से होने वाली बीमारियों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि बारिश के कारण डायरिया, मलेरिया और डेंगू जैसी कई बीमारी बढ़ जाती हैं। देखिए, इस मौसम में ज़्यादातर फीवर, सर्दी जुकाम या स्किन की बीमारियाँ या लूज मोशन से नहीं, डायरिया वगैरह की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके लिए चारों तरफ साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करवाना, खाद्य पदार्थ जो भी हमारे मार्केट में उनकी बिक्री होती है उस पर प्रतिबंधित करना, और उसमें कोई सड़ा गला ऐसे कोई पदार्थ न से खोमचे पर या जो ट्राली लगाते हैं बेचने में, इस पर नियंत्रण रखना। तीसरा यह है कि अगर बीमारी की पता हो जाती है तो रैपिड रिस्पांस टीम लगा कर उसको तत्काल किसी अस्पताल में भर्ती किया जाना, ये कार्रवाई इसकी होनी है। और अभी अब तक हमारे वाराणसी जनपद में इस तरह से कहीं कोई बीमारी की, कोई एपिडेमिक की सूचना प्राप्त नहीं हुई, जिसके अभी अब तक नहीं हुई है। और इसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं। आवश्यकता पड़ने पर हमारे जितने सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर हम 8 से लेकर 4, यानी बड़े अस्पतालों में 8 बेड और छोटे अस्पतालों में CHC PHC के 4 बेड उसको रिजर्व किए हुए हैं। डॉक्टरों को अलर्ट किया गया है, दवाओं की उपलब्धता और ORS के पैकेट भी उपलब्ध हैं। इसके द्वारा हम लोग रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से जनपद स्तर पर या PHC स्तर पर उसको नियंत्रण करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर SC पांडे का कहना है कि घरों तक जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि स्कूलों में छोटे बच्चों से लेकर डिग्री कॉलेजों तक इस अभियान के बारे में बताया जा रहा है। संचारी रोग अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई 2019 चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और विभिन्न स्तरों पर इसकी मीटिंग हो चुकी है। पहली मीटिंग जिला स्तरीय जितने भी अधिकारीगण हैं, अंतर विभागीय समन्वय समिति के सारे विभागों को सेंसिटाइज कर दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर ग्राम प्रधानों की मीटिंग हो चुकी है, ब्लॉक स्तर पर ग्राम प्रधानों को इसमें संवेदीकरण किया जा चुका है। नगर निगम के साथ 24 जून को एक हमारी मीटिंग हुई है पार्षदों के साथ, उनको डेंगू मलेरिया और कालाजार इंसेफ्लाइटिस के बारे में जागरूक किया जा चुका है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि इस मुहिम का फायदा उन्हें वाराणसी में देखने को मिलेगा, जिसके चलते बरसात के कारण होने वाली बीमारियों में कमी आएगी। वाराणसी से न्यूज़ के लिए श्याम सुंदर की रिपोर्ट।